स्नातकोत्तर हिंदी, इसमें प्राचीन एवं मध्ययुगीन हिंदी कविता। कल हम लोगों ने जो बातचीत की थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार आदिकाल के अंतर्गत और भक्ति काल के बीच में विद्यापति आते थे, और फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार भक्ति काल की जो दो धाराएं मानी गई है, सगुण निर्गुण धारा और सगुण धारा, सगुण धारा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि निर्गुण धारा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि दो शाखाएं, एक ज्ञानाश्रय और दूसरी शाखा प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार कबीर, दादू, रैदास और तमाम ऐसे लोग थे जो निम्न वर्ग और निम्न वर्ण से आते थे। ये लोग जैसे जाति अगर इनकी देखी जाए तो कबीर जुलाहा वर्ग से आते थे, दादू दूसरे वर्ग से थे, रैदास चमार थे, तो चर्मकार जिसको आप कह सकते हैं चमड़े का कारोबार, तो ऐसे ये जो तमाम लोग थे ये समाज में पिछड़ी जातियों से आते थे और हे दृष्टि से इनको देखा जाता था। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, और निर्गुण धारा में ही जो दूसरी धारा थी वो मैंने बताया था कि दूसरी धारा में निर्गुण प्रेमाश्रय शाखा जिसमें जायसी और कुतुबन, मंझन ऐसे लोग थे जो सूफी संत या सूफी कवि कहे जाते थे, और इनकी जो धारा थी वो एक मुस्लिम वर्ग था, ये सभी लोग मुस्लिम थे, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू रीति रिवाज, हिंदू लोक व्यवहार, हिंदू तीज त्यौहार और हिंदू संस्कृतियों का खूब सुंदर वर्णन किया है। फिर मैंने कहा था कि सगुण धारा के अंतर्गत दो धाराएं हैं, एक है रामाश्रय शाखा जिसके लीडर या लीड करने वाले या प्रतिनिधि कवि आप कह सकते हैं कि तुलसीदास हैं, और सगुण के ही अंतर्गत कृष्णाश्रय शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। वैसे रसखान और भी बहुत सारे कवि हैं, मीराबाई भी आती हैं, तो ये सभी कृष्ण धारा के अंतर्गत हैं। तो ये मोटा मोटी एक तरह से विभाजन किया गया है भक्ति काल का। भक्ति काल का विभाजन अध्ययन की दृष्टिकोण से किया गया है इस प्रकार, लेकिन जब आप भक्ति काल का अध्ययन करेंगे तो चाहे वो कबीर हों, चाहे जायसी हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास हों, चाहे मीराबाई हों, आप देखेंगे कि उसमें एक प्रकार का केंद्रीय तत्व प्रेम है, और दूसरी बात यह है कि उसमें आत्मसमर्पण की भावना जो उसका केंद्रीय तत्व आप उसको भी कह सकते हैं। ये तमाम कवि इस बात पर बल देते हैं कि आप को अगर चाहे प्रेम हो चाहे भक्ति हो, आप सर ऊंचा करके वहां पर नहीं जा सकते हैं, आपको झुक करके जाना होगा, आपको समर्पण की भावना के साथ जाना होगा, आपको एक प्रकार से आपके मन में निष्ठा की भावना होनी चाहिए अपने आराध्य के प्रति। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण यह आप कह सकते हैं कि भक्ति काल एक ऐसा युग था या एक ऐसा काल था, ऐसा समय था हिंदी साहित्य का जिसमें सभी तरह के जाति, धर्म, संप्रदाय और चाहे आप देखिएगा कि लिंग के स्तर से देखिएगा तो मीराबाई ने भी या अक्का या और भी जो महिलाएं हैं भक्त कवित्री ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और
अखिल, यह अखिल भारतीय आंदोलन एक तरह से था। आप बंगाल में, आप दक्षिण भारत में, आप उड़ीसा में, आप असम में, आप देखिए गुजरात में, आप देखिए, तो यह संपूर्ण एक तरह से भारतीय आंदोलन आप कह सकते हैं भक्ति काल को। तो दो बात हुई। तीसरी बात यह कि इसमें जो संस्कृत, एक तरह से संस्कृत भाषा और साहित्य जो पहले से था, जिसके बारे में मैंने बातचीत की थी आप लोगों से, कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, लेकिन आप देखेंगे तो संस्कृत सिर्फ कुछ ही लोगों की भाषा हुआ करती थी। उसका जो ज्ञान था, उसकी जो एक बहुत बड़ी ज्ञान संपदा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन वह कुछ ही लोगों में फैली हुई थी। आम जनता उन चीजों को नहीं समझ रही थी। लेकिन भक्ति काल में आप देखेंगे कि कबीर तो संस्कृत को नकारते हैं और कहते हैं कि संस्कृत है कूपजल, भाखा बहता नीर, और संस्कृत को वो कुएं का जल बताते हैं, और भाषा को, भाखा को, जो आम जनता की भाषा है, उसको एक बहता हुआ जल बताते हैं, जो कभी गंदा नहीं होता है या खराब नहीं होता है, और उसमें वो बातचीत करना पसंद करते हैं, कविता करना पसंद करते हैं। तो दूसरी तरफ वो कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तो इस पंक्ति में भी आप देखेंगे कि वो जो वेद है, जो पुराण है, जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू हिंदुओं का धर्म ग्रंथ हो, चाहे मुसलमानों का कुरान हो, तो उसके बारे में उसकी आलोचना करते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, तुम कागज का लिखा हुआ कहते हो और मैं आँखों का देखा हुआ कहता हूँ, यानी अनुभव की बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मानने वाली है। जो सत्य है उसी को माना जाना चाहिए, और सत्य क्या है, तो जो अनुभव की बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली बार आधुनिकता की भी झलक दिखाई पड़ती है कि ये कवि मॉडर्न थे, अपने टाइम में काफी आधुनिक थे, कि इन्होंने इस तरह की बात की, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है उसको इन्होंने आधार बनाया। तो ये तमाम चीजें, कंटेंट आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप कथ्य कह सकते हैं, इसका इसको आप अंतर्वस्तु कह सकते हैं। और शिल्प की बात अगर आप कीजिए, या फॉर्म की बात कीजिए, ढांचा की बात कीजिए, जिससे भक्तिकालीन साहित्य का निर्माण हुआ है, तो शब्दों की बात कीजिए, तो आप देखेंगे कि तमाम कवियों के पास बेहतरीन बेहतरीन शब्द संपदा से भरपूर थे। उनके पास शब्दों की कोई कमी नहीं थी। वो तमाम लोग जो भक्ति काल के कवि हैं, चाहे आप कबीर की बात कर लीजिए, चाहे जायसी की बात कीजिए, चाहे आप सूर, तुलसी या मीरा की बात कीजिए, तमाम जो लोग थे, उनकी जो भाषा थी वो एक बेहतरीन भाषा थी। उन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी खूब प्रयोग किया है। उन्होंने ग्रामीण भाषा के जो शब्द हैं उनका भी खूब प्रयोग किया है। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी चर्चा मैंने कल खूब विस्तार से की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने जब बातचीत की है उसमें, अपनी रचना पद्मावत में, तो उसमें आप देखेंगे कि नागमती वियोग वर्णन के समय एक जगह नागमती कहती है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी चुए जस ओड़ी। तो यहाँ पर इस तरह की पंक्ति है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बरसे चुए दुनु नैन मोर जस ओड़ी। तो इसका अर्थ आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, मैं समझाता हूँ कि बरसे मघा झकोरी झकोरी, जब बारिश होती है, बरसात जब होती है, पौंडीचेरी और तमिलनाडु के हिस्से में अभी लगभग मानसून का समय है और थोड़ी बहुत बरसात हो रही होगी ऐसा मुझे लगता है, तो या आपने बरसात तो देखा ही होगा, तो आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, जब मेघ बरसता है, तो एक तरह से आवाज आती है,
एक तरह की बारिश की आवाज होती है, और जो छत होता है ये सीमेंटेड छत नहीं, जो आप देखेंगे कि घास का, फूस का, या जो चावल का जो घास होता है उसका जो घर होता है, तो उससे आप देखेंगे कि पानी टपकता है, उसको कहते हैं ओरी। मिट्टी का एक खपरेल नुमा घर होता है, तो उसके बीच से जब पानी नीचे टपकता है तो उसको ओरी कहते हैं। हिंदी का ये शब्द नहीं है, दरअसल अवधि का शब्द है, जो बोली है हिंदी की, तो अवधि का शब्द है, तो ओरी उसको कहते हैं। और बरसे मघा झकोरी झकोरी, मतलब बारिश जब हो रही है और बरसात जब हो रही है, तो आप देखेंगे कि बता रही है नागमती कि मेरी आंखें उस ओरी की तरह लगातार आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो ये जो उदाहरण है, ये जो एग्जाम्पल है, ये अपनी कविताओं में वो लोक का भरपूर उदाहरण देते हैं, और इतने सारे उदाहरण देते हैं लोक का कि आप हतप्रभ रह जाएंगे कि ऐसे कवि जो जितना ज्ञान इनको लोक का था वो बहुत ही अद्भुत था। और इतना ही नहीं, साहित्य जब वो लिख रहे हैं तो साहित्यिक ज्ञान भी है, अलंकार का भी खूब सुंदर प्रयोग है, छंद का भी खूबसूरत प्रयोग है, चौपाई देखिए, धारा प्रवाह चौपाई पर चौपाई लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसमें विविधता है। तो इस तरह से शब्दों का जो प्रयोग किया है, जिसको मैंने शिल्प कहा था, भाषा शिल्प, तो इसमें भी वो बेहतरीन है, ना सिर्फ जायसी बल्कि कबीर। कबीर साहब को तो आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था, ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि कबीर दास के बाद ऐसे कविताओं शब्दों का प्रयोग कर देते थे, और उससे जो चाहिए, जो मन उनका करे, वैसा अर्थ निकलवा लेते थे। तो इस तरह की चीजें आप देखेंगे भक्ति काल में खूब आई है। अब आप तुलसीदास को भी देखिए कि तुलसीदास जी, संस्कृत का उनको भरपूर ज्ञान था, खूब ज्ञान था, धारा प्रवाह संस्कृत वो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने जो राम की कथा कही है वो उन्होंने संस्कृत में नहीं कही है। हर एक जितने भी कांड हैं रामचरितमानस में, तो उस कांड की शुरुआत में वो संस्कृत की चर्चा करते हैं, संस्कृत में श्लोक है उसमें, लेकिन जब उसके बाद आगे बढ़ते, एक से एक सामासिक शब्द आप उसमें देख सकते हैं, पद देख सकते हैं, पदबंध देख सकते हैं कि बेहतरीन है, लेकिन जब आप देखिए तो वो अपनी जो आराध्य उनके राम है, राम की कथा, वो लोक भाषा अवधि में करते हैं, ना कि संस्कृत में। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पान। तो इस तरह की चीजें धारा प्रवाह वो लिखते हैं। उन्होंने राम के बारे में लिखा, उन्होंने हनुमान की खूब भक्ति की है, उन्होंने और भी देवी देवताओं की भक्ति की है, लेकिन उस भक्ति में आप देखेंगे कि कई जगह इनसे चूक भी हुई है गोस्वामी तुलसीदास से, कई जगह कबीर से भी चूक हुई है, कई जगह दूसरे दूसरे कवियों से भी चूक हुई है। तो ये चूक क्या है? तो चूक है कि इन्होंने, इन कवियों ने, आलोचक ऐसा मानते हैं कि शूद्रों के बारे में या स्त्रियों के बारे में इनकी धारणा सही नहीं थी। जैसे एक जगह ये लिखते हैं जिसकी बात बहुत ज्यादा की जाती है, और सभा सम्मेलनों में तो खास तौर पर पहले भी किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा और अभी भी किया जाता है, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो कहते हैं कि ढोल गंवार और शूद्र और पशु और नारी,
तो ये सभी, इन सभी की स्थिति ठीक नहीं है, इन्हें पीटना चाहिए, या इस तरह के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। तो इस तरह की जो इन तरह की जो ये बहुत सारी पंक्तियां आपको दिखाई देंगे, तो इस तरह की पंक्तियों के बारे में बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये छेपक है। छेपक का मतलब यह कि किसी दूसरे व्यक्ति ने जोड़ दिया है कि जिम स्वतंत्र भय विग्रह नारी। एक जगह कहते हैं कि स्त्रियों को आप स्वतंत्रता मत दो, अगर आप स्त्रियों को स्वतंत्रता देते हैं तो स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। तो इस तरह की जो बात है ये आज के समय में बिल्कुल ही माननीय योग्य नहीं है। लेकिन जो तुलसी का समय था, आज से लगभग 600 साल पहले या 650 साल पहले, जो तुलसीदास का समय था या कबीरदास का जो समय था, उस समय में इस तरह की बातें अगर उन्होंने लिखी है तो उस समय के लिए इसे कोई खराब नहीं कह सकता है। लेकिन आज आप देखेंगे जहाँ स्त्री मुक्ति की बात की जा रही है, स्त्री स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो आज के समय में आप देखेंगे कि इस तरह की बातें सही नहीं मानी जाती है। इस तरह की बातें कही जाती है कि ये स्त्रियों के खिलाफ। तो ये भक्ति काल की कुछ बातें हैं कि जिसे स्वर्ण युग कहा गया है, कि भाषा के मामले में, शिल्प के मामले में, अंतर्वस्तु के मामले में, और तमाम ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जो भक्ति काल को या भक्ति युग को निश्चित रूप से स्वर्ण युग की संज्ञा दिलाते हैं या स्वर्ण युग कहने में मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक चीजें भी हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ बातें कही, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में अगर आप थोड़ी बहुत चर्चा करें, तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में मैंने बताया कि ये भक्ति काल के, जो भक्ति काल की सगुण धारा थी, उसमें राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जो भक्ति आंदोलन चला, या भक्ति आंदोलन जो खड़ा हुआ मध्यकाल का, तो भक्ति आंदोलन के बड़े कवि माने जाते हैं, अंतिम बड़े कवि। अंतिम बड़े कवि इसलिए मैंने कहा क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद रीति काल की शुरुआत हो जाती है। आप देखेंगे कि अंतिम बड़े कवि, और भी कवि हैं, लेकिन अंतिम प्रतिनिधि बड़े कवि इसके बाद, कुछ ही समय के बाद रीति काल की शुरुआत हो जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक और आप देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास और कबीर, इन दोनों की हमेशा तुलना की जाती है कि देखेंगे कि कबीर की पहुंच कहाँ है, या कबीर को कौन लोग पढ़ते हैं और तुलसीदास को कौन लोग पढ़ते हैं। आप उत्तर भारत के समाज में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कबीर को पढ़ने वाले या कबीर की कविता को बोलने वाले लोग जो श्रमिक हैं, जो निम्न वर्ग वर्ण के लोग हैं, उनके यहाँ कबीर ज्यादा पढ़े और बोले जाते हैं, उनके यहाँ कबीर की प्रशंसा ज्यादा होती है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि कबीर उन श्रमिकों की बात करते हैं, उन गरीब लोगों की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो जाति व्यवस्था की जो समस्या है उससे ग्रस्त है। लेकिन तुलसीदास उनके यहाँ उतने ज्यादा पढ़े समझे नहीं जाते हैं। इसका एक कारण यह लोगों ने बताया है, आलोचकों ने बताया है, कि तुलसीदास ज्यादातर आप देखेंगे कि मध्य वर्ग या उच्च वर्ग, इनके बीच तुलसीदास ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि तुलसी ने राम की भक्ति की है और तुलसीदास की जो बात है वो आप देखेंगे कि इन लोगों के ज्यादा फेवर में कही गई है। यहाँ पर जाति का विरोध नहीं मिलता है।
तो जाति से दिक्कत किसको है, जाति से तकलीफ किसको है, जातिवाद से तकलीफ किसको है। जातिवाद से तकलीफ आप देखेंगे तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको तकलीफ है, वो प्रताड़ित है, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं और अशिक्षित हैं। कई सारे ऐसे कारण हैं कि वर्ण व्यवस्था ने उनको सही मान और सही सम्मान नहीं दिया अपने समाज में, तो इसलिए उनके यहाँ कबीर ज़्यादा प्रासंगिक हैं, कबीर ज़्यादा पढ़े जाते हैं, कबीर ज़्यादा, कबीर को आप गाते हुए सुनेंगे, कबीर की पंक्तियों को, जो श्रम करने वाले लोग हैं। लेकिन तुलसी वहाँ पर उतने ज़्यादा ज़्यादा प्रासंगिक, या उतने ज़्यादा प्रासंगिक कह रहा हूँ तो रिलेवेंट उसका अंग्रेजी शब्द है, यानी आज हमारे लिए कोई कवि कितना महत्वपूर्ण है या कितनी ज़रूरत है किसी कवि की, तो इसलिए प्रासंगिक शब्द आता है। तो ये एक बात तुलसी और कबीर के बीच में मामला है। एक जगह आप देखेंगे कि तुलसीदास कहते हैं कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इन पंक्तियों में कबीर, माफ कीजिएगा, तुलसीदास कह रहे हैं कि आप विप्र को या ब्राह्मण की पूजा आप कीजिए, अगर वह गुण से हीन भी हो तब भी आप ब्राह्मण की पूजा कीजिए, लेकिन अगर शूद्र बहुत ज्ञानी हो, प्रवीण हो, लेकिन आप उसकी पूजा नहीं कीजिए। तो इस तरह की जो बातें हैं यह क्या है, यह जो है तो जातिवाद को या ब्राह्मणवाद को या ब्राह्मणों की जो एक ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था थी उसका एक तरह से सपोर्ट किया गया है इन पंक्तियों में। तो अब यह ये पंक्तियाँ तुलसी ने लिखी या नहीं लिखी या बाहर की किसी ने उसमें जोड़ दी, यह तो विवाद का विषय है। लेकिन प्रसंगवश जो इस तरह की पंक्तियाँ हैं, दरअसल इसलिए तुलसी की बहुत ज़्यादा आलोचना की जाती थी। लेकिन ये बात आप वहाँ तक सही मान सकते हैं या देख सकते हैं जब आप तुलसीदास की रचना रामचरितमानस को पढ़ें। रामचरितमानस में इस तरह की बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, और दरअसल इसी रामचरितमानस से तुलसीदास ज़्यादा पढ़े जाते हैं या ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस हैं इसी रचना से। लेकिन तुलसीदास की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। जब आप तुलसीदास का अध्ययन उनकी शुरुआती रचना से लेकर उनकी अंतिम रचना तक करेंगे, तब आप पाएंगे कि जो तुलसीदास एक समय में भगवान के ऊपर, तुलसीदास का बहुत भरोसा था, बहुत विश्वास था, अटल विश्वास था राम के प्रति, उसी तुलसीदास का विश्वास जब वो अंतिम रचना लिख रहे हैं, उनको तकलीफ है, वो पीड़ित हैं रोग से, और जब वह लिख रहे हैं हनुमान बाहु, उनकी रचना है उसमें जब आप पढ़िएगा, या उनकी रचना कवितावली आप जब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जाति व्यवस्था का उन्होंने खंडन किया है। वो वहाँ पर देखेंगे आप कि वहाँ पर भगवान के प्रति उनका विश्वास डगमगा जाता है, वो भगवान के ऊपर ही सवाल करने लगते हैं कि भगवान है या नहीं है, अगर तुम हो तो मैंने तुम्हारी इतनी भक्ति की है तो मैं रोग मुक्त क्यों नहीं हो रहा। तो जब संपूर्ण तुलसीदास का आप मूल्यांकन करेंगे तब यह सवाल उठता है कि तुलसीदास आखिर ने क्या, तब आप देखेंगे कि तुलसीदास एक बेहतरीन कवि के रूप में हमारे बीच आते हैं, और तुलसीदास की का में वैचारिक बदलाव भी हुआ है। शुरुआत में जो तुलसीदास थे वो तुलसीदास आपको अंतिम में नहीं दिखाई देते। तुलसीदास के विषय में जब हिंदी साहित्य का इतिहास लोगों ने लिखा, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, और भी बहुत सारे लोगों ने, तुलसी इतिहासकारों ने तुलसीदास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तुलसीदास को भरपूर जगह मिली है, खूब जगह मिली है। और तुलसीदास के विषय में
ग्रियर्सन ने कहा है, जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन ने कहा है कि तुलसीदास को बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास है, ऐसा ग्रियर्सन ने कहा। तो लोक नायक का अर्थ क्या होता है? बुद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि लोक नायक थे, मतलब जनता के हीरो जिसको आप कहते हैं। तो उसके बाद बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक तुलसीदास हैं, ऐसा मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद दुबे जी कहते हैं कि तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित सुधारक थे, लोकनायक थे और भविष्य के स्रष्टा भी थे, यानी सृष्टि करने वाला। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कथन हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि गोस्वामी तुलसीदास की पहुंच, जब आप उत्तर भारत आएंगे, नॉर्थ इंडिया आएंगे, और खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन इलाकों का जब आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि तुलसीदास की पहुंच लगभग हर एक घर में। तुलसीदास को लोग पढ़ते हैं और तुलसीदास की रचना, खासकर रामचरितमानस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस का अखंड पाठ, लगातार पाठ पढ़ा लिखा पढ़ा जाता है मंदिरों पर। तो तुलसीदास की पहुंच घर घर थी और तुलसीदास का महत्व निश्चित रूप से था। लेकिन तुलसीदास ने एक जगह, मैंने अभी कहा भी था एक बात, कि रामचरितमानस में जिस तुलसीदास को सारा संसार सीता और राममय लगता है, वही तुलसीदास जब कवितावली लिखने लगते हैं तो वो कहते हैं कि दरअसल किसबी किसान कुल वनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेटलो पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन बन अखन अखेट की, खेती न किसान को भिखारी को न भीख। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये कि किसान को खेती नहीं है, यानी किसान परेशान है, भिखारी को न भीख बली, और भिखारी जो भीख मांगते हैं उनको भीख भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह कि अगर भीख नहीं मिले तो आप समझ लीजिए कि समाज में कितनी दरिद्रता व्याप्त है, कितनी गरीबी व्याप्त है, कि भिखमंगे को लोग भीख नहीं दे पा रहे हैं, यानी लोगों के अपने खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो भीख कैसे देंगे। तो तुलसीदास कह रहे हैं अपनी रचना कवितावली में कि खेती ना किसान को, कि किसान के पास खेती नहीं है और भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। जो बनिया है, बनिया का मतलब जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, जो साहूकार है, उसके पास व्यापार करने के लिए पूंजी नहीं है, स्थितियां इतनी खराब। और चाकर ना चाकर को चाकरी, जो नौकर है यानी जो नौकरी ढूंढता है, उसके पास नौकरी भी नहीं है, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान कुछ बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाए का करी। कह रहे हैं तुलसीदास कि जीविका विहीन जो ये लोग हैं, जिनके पास आजीविका नहीं है, जिनके पास खाने पीने का उपाय नहीं है, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इन रचनाओं में, जो बाद की जो इनकी रचनाएं हैं, उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी यानी भूख से लोग मर रहे थे, और अकाल था, अकाल यानी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसी स्थितियों पर खूब चर्चा की है, खूब लिखा है। और ये जो उनका लेखन है, ये दरअसल काल्पनिक नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये इन्होंने रियलिटी,
इल्यूजन नहीं है, ये इन रियलिटी, रियल जो चीज़ें थी, ओरिजिनल जो चीज़ें थी, उस समय का जो समाज था या उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, उसका चित्रण उन्होंने इन रचनाओं में किया है। तो कहने का मतलब यह कि तुलसीदास, अगर आप देखें तो तुलसीदास बड़े कवि आते हैं। मध्यकालीन समाज व्यवस्था में जनता की गरीबी, भुखमरी, महामारी आदि का वास्तविक चित्रण करने वाले तुलसी उस युग के सबसे बड़े कवि के रूप में सामने आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चीजें दूसरे के यहाँ इस तरह से नहीं आई है। तुलसीदास पर आप देखिए कि मैंने अभी कहा कि स्त्रियों के विरोध का आरोप लगा है, और तुलसीदास ने कई जगह स्त्रियों का विरोध भी किया है, लेकिन कई जगह आप देखेंगे कि तुलसीदास जी ने स्त्रियों का विरोध नहीं किया है। और वहाँ पर जो स्त्रियों की गुलामी, यानी स्त्रियां जो गुलाम हैं, उसके बारे में भी तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसीदास जी की जो ये पंक्तियां हैं, इस पर सबसे पहले आप देखिए तो एक आलोचक है रामविलास शर्मा, उन्होंने ध्यान दिलाया था कि एक जगह उन्होंने लिखा है कि कत विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। हे भगवान, कहते हैं हे भगवान, तुमने स्त्रियों का सृजन क्यों किया, स्त्रियों को क्यों इस संसार में बना करके भेजा है। वो मतलब सपना में भी जो है सो वो पराधीन है, दूसरे के अधीन रहती हैं, वो सपना में भी स्वाधीन नहीं है, अपना सुख वो सोच नहीं सकती हैं। तो इस तरह से आपने क्यों भेजा स्त्रियों को, भेजा ही आखिर क्यों, जब आपको गुलाम बना करके भेजना था। तो रामविलास शर्मा का कहना है कि इस तरह की पंक्तियां जिसने लिखी हो, वो स्त्रियों का अपमान कर सामंती व्यवस्था को मजबूत कैसे कर सकता है, यह एक प्रश्न है। और इन्हीं पंक्तियों को आधार बना करके रामविलास शर्मा जैसे लोग दरअसल स्त्रियों के बारे में बताते हैं कि तुलसीदास जी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, और ये प्रक्षिप्त हैं, प्रक्षिप्त या बाहर से किसी ने इसको, इन पंक्तियों को जोड़ दी गई है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जोड़ दी गई हो, तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, यानी बड़े कवि होते हैं, उनके बारे में आप अक्सर देखिए तो उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनकी जो रचनाएं होती हैं, वो दरअसल बाद में उसको जोड़ दी, उसमें कुछ लोग जोड़ देते हैं कुछ, क्योंकि आप जब कबीर का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कबीर की बहुत सारी पंक्तियां दूसरी दूसरी जगहों पर जाकर के कुछ और हो गई। जैसे कबीर दास जी उत्तर प्रदेश की जो जगहें हैं, कुछ वहाँ पर कबीरदास में आप देखेंगे कि कुछ और है, और बिहार में जब आप आएंगे तो उनकी पंक्तियों में कुछ और बातें हो जाती हैं। तो ये उलट फेर चलता रहता है, दरअसल ये कवि की प्रसिद्धि की निशानी है। अगर एक उदाहरण समझिए कि अगर मैंने कुछ चीज़ें लिखी और वह मेरे पीछे जो एक बुक सेल्फ है, इसमें वो चीज़ें रखी रह गई और 200 साल के बाद या 300 साल के बाद वो चीज़ें निकली, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वास्तव में बहुत फेमस हूँ, बहुत प्रसिद्ध हूँ, और मेरी जो रचनाएं होंगी वह बहुत लोगों के बीच जाएंगी, बहुत लोग उसको पढ़ेंगे, दूर दूर तक जाएगी, तो पहले तो मौखिक रचनाएं हुआ करती थी, लिखी हुई उतनी नहीं रहती थी, तो उसमें बदलाव समय के साथ हो जाता है, लोग अपने हिसाब से उसको ढाल लेते हैं, उसको बदल लेते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि कबीर के बारे में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, और तुलसीदास के विषय में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी।
कि तुलसीदास जी भी स्त्री के विरोध में रहे हैं, शूद्र के विरोध में रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको विरोध की चीजें भी मिलेंगी और कुछ जगह पर आपको सपोर्ट की भी चीजें मिलेंगी। तो ये दरअसल एक तरह से अंतर विरोध या कंट्राडिक्शन जिसको कहते हैं कि आपको मिल सकती हैं इस तरह की चीजें। तो ऐसी बहसों में ना जा करके हमें तुलसी की या कबीर की या और दूसरे दूसरे जो रचनाकार हैं उनको संपूर्ण रूप से पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और फिर अपना कोई मंतव्य या अपना कोई निष्कर्ष देना चाहिए या समझना चाहिए। दोस्तों, कल जो हमारी बातचीत हुई या परसों जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें मैंने बताया था कि भक्ति काल में जो धाराएं हैं उसमें पहला मैंने बताया था कि निर्गुण और दूसरा बताया था सगुण, निर्गुण की दो और सगुण की दो। सगुण में मैंने बताया था राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के प्रतिनिधि कवि की चर्चा मैंने अभी की थी, प्रतिनिधि कवि के रूप में तुलसीदास। तुलसीदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति काल के संदर्भ में अगर बातचीत की जाए तो भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मध्य युग में जो भक्ति आंदोलन है, यानी आप देखिए कि एक ही साथ पूरे देश में या हिंदी प्रदेश में एक ही साथ अचानक से आदिकाल के बाद जो भक्ति काल की शुरुआत होती है वह कैसे हो जाती है, इसका क्या कारण है, भक्ति आंदोलन के शुरुआत के क्या कारण है, या भक्ति आंदोलन कैसे हुआ, यानी इतने सारे जो समाज सुधारक हैं, इतने सारे जो साहित्यकार हैं, ये तमाम लोग कैसे आ गए, तो इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। इसे भी समझना बहुत जरूरी है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, और फिर हम लोग आगे देखेंगे रीति काल के कवि बिहारी के बारे में भी समझेंगे। लेकिन भक्ति काल में इस तरह के एक दो प्रश्न और एक दो टॉपिक जिसको भी समझना जरूरी है। तो आज की कक्षा को यहीं मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े, और मुझे लगता है कि आप जरूर कुछ समझ रहे होंगे। धन्यवाद। बहुत कम आ रही है इसमें, किसमें इस पे आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सॉरी, लैपटॉप से करना चाहोगे क्या? इसको कैसे बुलाना है? देखो तुम्हारा ब्लू इसमें आ रही कि नहीं आ रही? नहीं सुनाई दे रहा, नहीं आ रही। तो इसका मतलब है तुम्हारा ब्लूटूथ में ये तुम्हारा कनेक्टर नहीं है, फिर से डिस्कनेक्ट है। तो अच्छा, फिर क्या चक्कर, इसके बगैर ही कर लो, नहीं तो इसको एक मिनट इसको बंद कर लो, यहाँ से कर देते हैं। या तुमको इसमें दूँ, या तुम लैपटॉप पे दूँ? मैं बंद कर लूँगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, बहुत अच्छा है। आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही है? अच्छा जी, तुम्हारा आवाज अच्छा। ठीक है, तो शुरू करें। हेलो, इस
फादर बहुत कम आवाज है, इतनी कम आवाज तो नहीं थी। देखता हूँ यार क्यों ऐसा हो रहा है। एक काम करो, तो मुझे मीट जो गूगल है ना इसको व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो उसका लिंक, मैं इससे तुम्हारे लैपटॉप से चालू कर देता हूँ। अच्छा, इसको तुम्हारा व्हाट्सएप से लिंक दे दो, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरे को व्हाट्सएप भेज दो, मैं यही जस्ट अ मिनट बोलो उनको कि दो मिनट में। लेकिन फिर मैं मैटर कैसे देखूंगा? कोई बात नहीं, उससे ऑन करके तुम मिनिमाइज करके देख सकते हो। ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये दो है ना, जैसे ये है, ये लैपटॉप का जो है ना, तो तुमको चार्जर ला देता हूँ। ये आ गई, लो लो पंकज, इसको ना मैक्सिमम कर देते हैं। कैमरा स्टार्टिंग, आवाज कर आवाज आएगी अच्छी खासी, क्योंकि लैपटॉप पे है। कैमरा ऑन करना है, हाँ तभी तो मेरा दिखाई देगा। अच्छा ऑन है, कैमरा ऑन है, बोल सकते हो ऑन है, फुल साउंड है। अब आवाज आ रही है आपको? जी सर, सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है सर। हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है, मैं मोबाइल से कर रहा था, ठीक से आवाज नहीं आ रही। सुन रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर सर, दोनों ठीक है ठीक है। तो शुरू करें? हाँ जी हाँ, सुन रही है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको आधे अधूरे के बारे में कुछ बताएंगे। कथेतर साहित्य में आधे अधूरे के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब अच्छा, मैं जब पूछूं तो बीच में कोई बता दीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं, नहीं तो मुझे लगेगा पता नहीं आवाज जा रही है कि नहीं। Yes sir, it's audible. It's so clear. Okay, 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 okay. तो बात शुरू करते हैं। तो आधे अधूरे जो नाटक है वो मोहन राकेश का नाटक है, ये आपको मालूम है। 1969 यानी कि 1969 में ये नाटक प्रकाशित हुआ था और ये मोहन राकेश का तीसरा नाटक है। इसके पहले मोहन राकेश दो और नाटक लिख चुके थे, एक का नाम था आषाढ़ का एक दिन, जो 1958 यानी 1958 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा नाटक लहरों के राजहंस ये 1963 में 1963। हम आप लोगों की सुविधा के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी गिनती जो है सन का नाम वो बता देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और आखिरी नाटक उनका है आधे अधूरे, जो 1969 में छपा था। अनेक आलोचकों ने और हिंदी के अनेक विद्वानों ने इस नाटक को समकालीन जो जिंदगी है, जो कंटेम्परेरी लाइफ है, इसका पहला सार्थक नाटक कहा। सार्थक नाटक कहने से उनका तात्पर्य ये था कि हमारी सोसाइटी में जो आज लोगों का जीवन जिस तरह का हो गया है, जिस तरह का आधे अधूरेपन की जिंदगी है, और किस तरह के कह लीजिए कि तनाव में, व्यर्थता बोध में, आर्थिक संकट में लोग जी रहे हैं, उसको अभिव्यक्त करने वाला ये नाटक है। तो इसलिए कहा गया विद्वानों के द्वारा कि यह आधुनिक जीवन का
पहला सार्थक नाटक है। और इसमें एक बात है कि जो जीवन की बहुत सारी विडंबनाएं हैं, जो आयरनी है, वो इसमें बहुत ही कह लीजिए कि इस रूप में व्यक्त हुआ है जो किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक यथार्थ है, रियलिटी है। और रियलिटी आपके अच्छा या बुरा चाहने से नहीं होता है, वो तो है। तो ये जो समाज में है स्थिति, इसके लिए इसको कहा गया कि ये जीवन की जो बहुत सारी विडंबनाएं हैं उसको रेखांकित करने वाला नाटक है। दूसरी बात, इसके बाद अगली तीसरी बात ये कहें, यह एक स्तर पर, एक लेवल पर स्त्री और पुरुष का जो जीवन है, जो परिवार नाम की संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, उस परिवार की आज के आधुनिक जीवन में क्या स्थिति हो गई है। कि अब तो संयुक्त परिवार भारत में भी बहुत कम बच रहे हैं, और जहां बच रहे हैं वो गांव में बच रहे हैं, शहरों में तो बहुत कम है इस तरह का। और जो न्यूक्लियस फैमिली है, जो एकल परिवार है, उसमें भी पति पत्नी के बीच का तनाव, बच्चों के जीवन पर जो तनाव पड़ता है, उसके बाद बच्चों का जो जीवन हो जाता है, वो इसको व्यक्त करने वाला ये पहला ऐसा नाटक था उस जमाने का, जो आज के 2020 के जीवन से आप जोड़ के देखिए तो आज के जीवन में भी ये नाटक आपको बिल्कुल आज की कहानी जैसा लगेगा, जो आज हमारे समाज में घटित हो रहा है। तो इसलिए इसको कहा गया कि ये अपने जमाने का पहला सार्थक नाटक है। और सार्थक जो शब्द है वो सुनने में भले आपको आम शब्द जैसा आज लगे, लेकिन इस सार्थक के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भाव भी है। जिम्मेदारी इस अर्थ में कि आपने किसी नाटक को सार्थक कहा, लेकिन वो आज के जीवन के लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है। मसलन चंद्रगुप्त नाटक है या ध्रुव स्वामिनी है, ये इतिहास की कथा है, ये आज के जीवन की कथा नहीं है। तो हर थीम की, हर जीवन के कथा की अपनी एक अलग अलग अहमियत है। इस नाटक में मैं इसके बाद आपको पात्र पर भी आऊंगा, तो पात्र पर बात करूंगा। यह नाटक जो है वो दरअसल जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं, मानवीय संतोष, तो यह जो आधे अधूरे इसका जो टाइटल है, ये दरअसल इसलिए बहुत सार्थक है कि जो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन हमने कहा, उसका जो अधूरापन है, संतोष नहीं होना, किसी चीज का अतृप्त होना, वह जो है एक सहज स्वाभाविक उसका चित्रण इसमें किया गया है। इसके बावजूद जो आदमी है उसकी विभिन्नता जो है, जो उसमें वैरायटी है, वेरिएशन है, उसके बावजूद जो मानवीय अनुभव है वो किस रूप में आया है। तो इसको कई जगह जब इस नाटक का मंचन हुआ तो इसमें एक प्रयोग भी किया गया, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, वो ये किया गया कि इसमें पांच जो किरदार हैं, जो कैरेक्टर है, उसका रोल एक ही आदमी ने किया, अलग अलग वो कॉस्ट्यूम चेंज करके, तो इसमें वो भी बड़ा सार्थक रहा। इसके जो पात्र हैं वो पात्र इसके बहुत ही इस तरह की मानसिकता में जीते हैं कि जैसे एक घर में रह रहे हैं, एक परिवार के मेंबर हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, बेटी है, लेकिन जैसे किसी से किसी का कोई संवाद नहीं है, बीच में डायलॉग नहीं है, और जो डायलॉग भी है वो क्या कहें कि मतलब कथानक बहुत छोटा है, लेकिन उसके कथ्य में गहराई है। और वो जो महेंद्रनाथ जो पुरुष है और सावित्री उसकी पत्नी है, उस पे दूसरे पुरुष जो दोस्त हैं उसकी पत्नी के सिंघानिया, उसके बाद एक तीसरा पुरुष है जिसका नाम है जगमोहन, जो चौथा पुरुष है उसका नाम है जुनेजा,
और जो उसकी लड़की है महेंद्रनाथ की, उसका नाम है बिन्नी, और एक लड़का है जिसका नाम है अशोक, और एक छोटी लड़की है उसका नाम है किन्नी। कुल मिलाकर इतने ही पात्र हैं, और ये एक छोटे से मध्यवर्गीय जो उत्तर भारत का परिवार है, पंजाबी परिवार है, उसकी कहानी है। और उसकी जो कहानी है वो आपको उसकी संवेदना को जब समझेंगे कि उस कहानी में क्या है ऐसा जिसकी वजह से, फिर से मैं टाइटल पे ले जा रहा हूं कि आधुनिक जीवन का जो विद्रूप है, जो उसका संताप है, वो किस रूप में इसमें आया है, वो जब आप इसके पात्रों के डायलॉग को देखेंगे, डायलॉग को सुनेंगे, तो आपको ये पता चलेगा। तो मैं आपको कुछ उसके भी उदाहरण दूंगा। पहले आपको मैं इस नाटक की जो मूल संवेदना है उस पे थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें एक ऐसे परिवार का चित्रण है जो अपने आप में बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि उनके जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई पर्पस है, या किसी पर्पस के लिए वो लोग जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हर आदमी अलग-अलग जो है कॉम्प्लेक्स में, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बल्कि कहना चाहिए, हीनता ग्रंथि जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें हर परिवार जी रहा है। और इसलिए किसी की जो सोच है, किसी की जो समझदारी है, वो बहुत अच्छी नहीं है, और इसको ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत मेच्योर भी नहीं है। तो ये भी आप, और एक खास तरह की उसमें घुटन में भी जी रहे हैं, घुटन को क्या कहा जाए, बोरियत उसमें भी जी रहे हैं। तो इस वजह से इसमें आप देखेंगे कि जो उसका आपसी रिश्ता है परिवार में एक दूसरे के प्रति, वो जैसे कि एक एग्रीमेंट जैसा लगता है एक दूसरे से, लोग ठीक है, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और किसी के बीच में कोई डायलॉग नहीं है, किसी को जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसमें जो सबसे मेन पात्र जो उसका पुरुष है महेंद्रनाथ, वो तो लगता है कि अपनी जिंदगी की लड़ाई पहले ही हार चुका है, और जो दूसरा पुरुष है जिसका नाम है सिंघानिया, वह अपने आप से तो संतुष्ट है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, लेकिन वो हमेशा आशंकित रहता है। और जो तीसरा पुरुष है उसमें जगमोहन, वो अपने पूरे हाव भाव में अपनी सुविधा से जो उसका जीवन है, जो उसका दर्शन है, जो लाइफ की फिलोसफी, वो दिखाता है। और उसमें एक चौथा जो पुरुष पात्र है, जो मेल कैरेक्टर है, उसका नाम है जुनेजा। जुनेजा का जो है कैरेक्टर ऐसा है कि उसके चेहरे से ही बुजुर्गियत झलकती है, मतलब जो चेहरे से ही लगता है कि बहुत गंभीर और बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, लेकिन वो है बहुत काइया। काइया का मतलब होता है कनिंगनेस, जिसमें हो, संस्कृत में उसको कनिंग को कहते हैं, धूर्त, तो चालाक भी कह सकते हैं वो। और जो स्त्री पात्र है उसमें, जो फीमेल कैरेक्टर है, उसका नाम है सावित्री, और जिसमें और उस नाटक में उसकी जो उम्र दिखाई गई है वो तकरीबन 40 साल की दिखाई गई है। लेकिन 40 साल की उम्र के बावजूद उसके चेहरे पर जो है वो एक यंग लेडी का भाव है, और मन में भी जो है यंग लेडी जैसी इच्छाएं हैं। और जो बड़ी लड़की है बिन्नी, वो अपने उम्र से ज्यादा दिखाती है अपने को, यानी जितनी उसकी उम्र नाटक में दिखाई गई है उससे ज्यादा वो अपने व्यवहार से और अपनी बातचीत से शो करती है। और जो छोटी लड़की है जिसका नाम मैंने किन्नी बताया था, वो अपने भाव से, अपने स्वर से, आवाज से, और अपने तमाम हाव भाव से वो बहुत ही अपने को बागी दिखाती है, विद्रोही। और जो लड़का है अशोक, उसके मतलब पूरे व्यक्तित्व में, चेहरे में ही जैसे एक बिटरनेस का, एक कड़वाहट का भाव घुला हुआ है।
आपने इसका पता नहीं नाटक का मंचन देखा है कि नहीं, इसके नाटक का जो मंचन होता है तो उसमें प्रायः जो है पीली सी रोशनी और उदास उदास सा मटमैला सा घर और माहौल इस सबसे दिखाया जाता है, ताकि एक उदासी और एक ऊब और एक उताहट जो है वो पहले से उसमें दिखाई दे। सबसे पहले तो एक काले सूट वाला आदमी आता है, डायलॉग पे गौर करिएगा कि फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। तो ये जो डायलॉग है इससे लगता है कि जैसे पहले से जो चीजें चली आ रही है वही उसको करना पड़ रहा है, यानी पहले ही उससे एक उकताहट और एक ऊब का भाव उसमें नाटक में शुरुआत से ही दिखाया जा रहा है। जो मन स्थिति है, मन स्थिति कहते हैं जो उस समय मनोदशा है, जो मतलब आदमी का मूड है, उसमें ही तरह तरह की जो संवेदनाएं हैं उसकी टकराहट चल रही है और एक दूसरे से जो है वो जैसे कि लगता है कि उकताए हुए हैं और किसी से किसी का कोई सार्थक संवाद नहीं हो रहा है। तो ये जो टकराहट है, ये टकराहट क्यों है, ऐसा क्यों दिखाया है, ये एक आपका एक विद्यार्थी के रूप में, एक पाठक के रूप में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये जो टकराहट है वो इसलिए है कि स्वतंत्रता के बाद आजादी मिली थी और आजादी के 10-15-20 वर्ष बीतने के बाद जो इंडियन मिडिल क्लास है उसमें साफ तौर पर ये जो उकताहट है, ये जो ऊब है, ये दिखाई दे रहा था। और ये इसलिए ये एक प्रकार का संघर्ष है, ये एक प्रकार का स्ट्रगल है जो अपने एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को बचाए रखने का संघर्ष भीतर ही भीतर समाज में चल रहा था। और वह संघर्ष जो था वो कहीं बाहर से किसी दूसरे देश से या दूसरे कम्युनिटी से, दूसरे समाज से नहीं था, वो था अपने से ही, अपने रिश्तेदारों से ही, अपने आसपास के माहौल से, अपने आसपास के जो क्या कहें उसको इंग्लिश में, पब्लिक स्फेयर में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं, जो तरह तरह की जो आकांक्षाएं थी उनके मन में, आकांक्षा मतलब एक्सपेक्टेशंस जो थे, और जो साधन थे, जो मतलब उनके पास चीजें थी, वो किसी को मिल रही थी किसी को नहीं मिल रही थी। इस नाटक के बारे में बताते हुए मैं थोड़ा सा उस समय के सिचुएशन को भी आपको बताता हूँ कि मोरारजी देसाई का दौर नहीं आया था और लाल बहादुर शास्त्री भारत के तब प्रधानमंत्री थे, तो अमेरिका ने गेहूं के लिए भारत के सामने PL-40 या PL-20 करके कुछ नाम था गेहूं के किस्म का, उसके लिए लाल कलर का गेहूं आता था। एक शर्त रख दी अमेरिका ने कि ये हमारी शर्त है, ये हमारी शर्त है, ये आप मानेंगे तभी हम आपके हाथ गेहूं बेचेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे उन्होंने तय किया और भारत के लोगों से अपील की कि हम एक वक्त किसी समय, चाहे सुबह चाहे शाम, आपकी स्वेच्छा है, हम भोजन नहीं करेंगे और अन्न बचाएंगे। और उसी आंदोलन से फिर जो है एक नया आंदोलन निकला, भारत में हरित क्रांति का आंदोलन, और जिससे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में खेती का एक आंदोलन सा चला और आज इस इलाके की खेती बहुत आगे है। तो उससे नारा निकला जय जवान और जय किसान, यानी जो हमारे देश के बॉर्डर हैं उस पे जवान सुरक्षा कर रहे हैं और यहाँ अन्न की जो सुरक्षा है वो किसानों से हमें मिल रही है। यही वो दौर था जो आधे अधूरे का दौर है और ये जो मध्यवर्गीय समाज में साधनों की, चीजों की जो टकराहट थी, जो उससे नहीं मिल रही थी। तो यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं था, यह संघर्ष किसी का भी हो सकता है। इसलिए उसमें ये जो काले सूट वाला आदमी आता है नाटक के शुरू में, तो वो क्या कहता है, मैं उसका आपको एक डायलॉग सुनाता हूं। मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है।
ये जो नाटक के शुरू में वो काले सूट वाला आदमी कहता है, उसके बाद उसमें देखेंगे कि वो कहता है कि उसका कारण क्या है कि मैं इसमें हूं और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है, एक विशेष तरह का परिवार है, उसकी विशेष तरह की परिस्थितियां हैं, और दूसरा परिवार होने से जो परिस्थितियां बदल जाती है, मैं वही रहता हूं। इस परिवार के स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री, किसी भी दूसरी स्त्री की तरह से मुझे झेलती या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता, और नाटक के अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता। ये वो पात्र कहता है जो काले कोट वाला है। तो इसी से उसका जो मूल बिंदु है नाटक का, जो उसका मेन पॉइंट है, ये समझ में आ जाता है। तो इस तरह से कि जो आधुनिक जीवन की भांति नाटक जो है, जैसे आधुनिक जीवन अनिश्चित है, उस तरह से उसका रिफ्लेक्शन उस नाटक पर भी दिखाया है कि वह जीवन की तरह नाटक भी अनिश्चित है। और आज जीवन जो है एक पहिए की तरह जो चारों तरफ घूम रहा है, जिसमें संबंध लोगों के बदल रहे हैं, लोगों के रोल बदल रहे हैं, भूमिकाएं बदल रही हैं, तो इसको लेकर के उसमें दिखाया है कि भूमिकाएं बदल रही हैं, संबंधों में बदलाव आ रहा है, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो यहां जो इस तरह से जो नाटककार है मोहन राकेश, उनकी जो दृष्टि है, जो विजन है, एकदम आज की कहानी कहने वाला, एकदम आधुनिक, उत्तर आधुनिक कह लीजिए, वो विजन है। और इसलिए जो इस नाटक का संबंध है वो आज के भोगे हुए यथार्थ, जो आज हम जिस यथार्थ को जी रहे हैं, उस यथार्थ की अभिव्यक्ति है, वो एक आज की एक ज्वलंत समस्या है। इन समस्याओं को हम व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, और एक राष्ट्र के रूप में भी, राष्ट्र की समस्या के रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे यूरोप में समाज नामक जो इकाई है वो तो लगभग एक तरह से कह लीजिए कि अर्थहीन है, और जो परिवार है वो परिवार संयुक्त तो अब नहीं ही है, एकल परिवार में भी समस्या ये है कि एक दो बच्चे हैं वो भी अपनी लाइफ जी रहे हैं, माता पिता ओल्ड एज होम में हैं या घर में अकेले हैं, तो एक परिवार के टूटन की समस्या जो यूरोप की थी, वो भारत में भी इस तरह की समस्या अब एक आम समस्या के रूप में है, इसको भी इस नाटक में दिखाया गया है। और इसलिए ये नाटक बिल्कुल आज के उच्च मध्यवर्गीय जो स्थिति है या निम्न वर्गीय स्थिति में जो रूपांतरित होने के लिए छटपटा रहे हैं जो परिवार, उसके आपसी संबंधों की कथा पेश करता है। तो इसका जो पात्र है महेंद्रनाथ, जो कि अब बिल्कुल मैं एक मिनट आपकी किसी की राय भी ले लेता हूं, कोमला मूर्ति, गीता, सौरभ, आप लोग बताइए, आवाज आ रही है ना ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक से आ रही है सर, ठीक से आ रही है। अच्छा, अभी और आ रही है, दोनों ठीक है। या सर, या सर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, तो हम जारी रहते हैं। हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है। तो जो महेंद्रनाथ है, जो इसका पात्र, उसके परिवार में बहुत सारी वेरिएशंस है, विविधताएं हैं, विविधताएं, जैसे विचार की विविधता है, नेचर की विविधता है, प्रकृति जो है मतलब अलग अलग तरह की है। उसकी जो पत्नी है नौकरी पेशा है, यानी वो नौकरी करती है, और जो उसका पति है वो नहीं कमाता है, वो एक तरह से पत्नी की कमाई पर जी रहा है, और जो उसके उसकी जो माँ है, यानी कि जो सावित्री है, महेंद्रनाथ की पत्नी है, वो अपने जो व्यवहार से दिखाती है कि 40 साल की होने के बावजूद उसका जो मतलब
क्या कहें व्यवहार है या जो उसका लाइफ स्टाइल है जो मैंने शुरू में बताया, वो बिल्कुल है तो ज्यादा एज की, लेकिन वो बिल्कुल अपने को यंग दिखाती है और उसी तरह से व्यवहार भी करती है, जबकि उसके बच्चे इस वजह से बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो उसमें एक लड़की है जो कि उसके यानी कि जो उसकी माँ है सावित्री, उसका जो प्रेमी रह चुका है, उसका जो बॉयफ्रेंड रह चुका है, तो अपने माँ के बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़की जो बिन्नी है वो भाग करके शादी कर लेती है। और जो उसका लड़का है अशोक, वो भी बिल्कुल कुछ नहीं करता है, और जो छोटी लड़की है वो भी अनुशासनहीन है और किसी को कुछ भी बोल देती है। तो इन तमाम तरह के रिश्तों में कि घर में दो तीन बच्चे हैं और आपस में सबके अलग अलग व्यवहार हैं, जिंदगी है, किसी से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, लड़की जो है यानी कि अपने बाप के एज की यानी उसके माँ के जो लवर है उससे शादी कर लेती है, फिर वो खुद मुख्तार है, खुद मुख्तार मतलब उर्दू का शब्द है जिसका मतलब अपने मन मर्जी से चलने वाले। तो जो मनमानियां हैं और अलग अलग राहों पर चलने वाले ये चरित्र हैं, वो सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो मोहन राकेश ने यहाँ ये दिखाया है कि परिस्थितियों के साथ ही परिस्थितियों के बार से जो आदमी उलझ जाता है उसका जो चित्रण किया है, उसके अंतर्द्वंद को उभारने के लिए जो इसमें डायलॉग्स है, तो वो दरअसल यहाँ पे परिस्थितियां प्रधान है। ये किसी चरित्र को, किसी कैरेक्टर को प्रधान बना करके नाटक पेश नहीं किया गया है। इसमें जो असल हीरो है, तो असल हीरो दरअसल इसमें इसका सिचुएशन है, इसका जो इसकी जो परिस्थितियां हैं वो है। तो इसलिए नाटककार ने इसमें बनते बिगड़ते जो संबंध है उसके कटु अनुभव को इसमें व्यक्त किया है। और ये आपको मैं बताऊं कि थोड़ा बहुत उनके जीवन का भी एक यथार्थ था। अगर आपको मैं बताऊं तो मोहन राकेश ने खुद ही शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे जो याद अभी आ रहा है, 3 शादियां की थी। और हिंदी के नाटककार उपन्यासकार हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो ओरिजिनल जो मूल विद्यार्थी थे वो संस्कृत के थे और अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश की जो त्रयी बनाई जाती है हिंदी में, उस त्रयी में सबसे ज्यादा जो प्रतिभाशाली थे और सबसे ज्यादा जो कह लीजिए कि हर लिहाज से, चाहे वो नाटक लिखा हो इन्होंने, चाहे उपन्यास लिखा हो, चाहे कहानियां लिखी हो, तो जो प्रतिभा की जो बहुआयामिता है जिसको मल्टी डायमेंशनल प्रतिभा कहते हैं, तो उस लिहाज से भी ये सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे। और तीनों में सबसे कम उम्र इन्हीं को मिली, बहुत जल्दी गुजर गए। इनका एक उपन्यास है, कभी आपको मौका लगे तो पढ़िए, अंधेरे बंद कमरे। तो ये अंधेरे बंद कमरे जो है, ये भी उस दौर के आधुनिक जीवन का जो यथार्थ था। कमाल की बात ये है कि 30-40 साल, 45 साल पहले मोहन राकेश ने जो कल्पना की थी और जो उस समय का यथार्थ दिखाया था, वो कहीं ना कहीं आज के यथार्थ से भी जुड़ रहा है और उसी तरह का आज का यथार्थ है। इसलिए इन नाटकों को, उपन्यास को पढ़ के आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल आज की कथा है, इसलिए इसका रेलेवेंस जो है वो बना हुआ है। इसमें एक नाटककार की जो व्यथा है कि जो सावित्री है वो महेंद्रनाथ भर की नहीं है, मतलब ये सावित्री और महेंद्रनाथ की जो समस्या दिखाई गई है वो सिर्फ इन दोनों पात्रों की समस्या नहीं है, वो समस्या उस समय के समाज के तमाम लोगों की है जो अपने जीवन की आकांक्षाओं और उपलब्धियों को भौतिक सुविधाओं से जोड़ लेते हैं और समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। और ये नहीं होने से एक घुटन होती है और उस घुटन को
महसूस करके जो लोगों में अलगाव हो रहा है, तो इसको कोरिलेट करने की, जोड़ने की कोशिश की है। तो उसमें जो साधनहीनता है, साधनहीनता से उपजी हुई जो कटुताएं हैं, वो तमाम पात्रों में घर कर गई है। मतलब घर कर जाना यानी भीतर में बैठ जाना। और इसलिए उसकी जो बड़ी लड़की है, उस सावित्री और मेघनाथ की, वो कहती है कि मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़िया घर के एक पिंजरे में रहती हूँ, जहां आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता है यहाँ। मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य इस घर में देखे हैं मैं। अब आप देखिए कि जो लड़की है वो कह रही कि ये घर नहीं है, चिड़िया घर है, और मैं कहाँ रहती हूँ, तो पिंजरे में रहती हूँ, और क्या क्या होता है मैं बता भी नहीं सकती। यानी ऐसे काम हो रहे हैं जो सार्वजनिक रूप से उसको बताने में भी शर्म आ रही है। तो यहीं पर जब इस तरह का माहौल हो, तो जिसको घर कहते हैं, घर का रेलिवेंस ही यहाँ समाप्त हो जाता है, और जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो मर गई हैं, वो खत्म हो गई हैं। तो इसमें फिर क्या बचता है, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन। तो जो महानगर का जो मिडिल क्लास है, वो किस प्रकार घुट घुट कर अनियमितताओं और अनिश्चितताओं में जी रहा है, और उस स्थिति का जो शिकार है, मुझे याद आ रहा है शायद कवि का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन एक कविता संग्रह का नाम है भविष्य घट रहा है। तो ये भविष्य का जो घटना है, कि जो आपका फ्यूचर है, वो अनिश्चित के साथ साथ आपका फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है या क्या है, इस अनिश्चितता के बावजूद वो भी घट रहा है। तो इसको भी इस नाटक में एक एंगल के रूप में दिखाया गया है। और जो महेंद्रनाथ है, सिंघानिया है, जगमोहन है, जुनेजा है, ये सावित्री है और उसका लड़का है, ये तमाम जो पात्र हैं, वो आज के मनुष्य की जो अनियंत्रित और अंतहीन यात्रा, मतलब यंत्रणा है, यंत्रणा मतलब जो उसका दुख है तरह तरह का, उसका आपको एक तरह से दस्तावेज की तरह ये नाटक लगता है। दस्तावेज मीन्स डॉक्यूमेंट। तो ये इस नाटक में आपको दिखाई देता है, जिसमें कि संबंधों की भी गरिमा नहीं है। सावित्री पति से ऐसे बात करती है कि जैसे वो किसी गुलाम से या किसी नौकर से बात कर रही है, जबकि परिवार में या जिसको हम सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसमें तो एक मैनर बना हुआ है कि किसके साथ आपको कैसे बात करना है। बेटे के साथ कैसे बात करेंगे, पत्नी के साथ कैसे बात करेंगे, पति के साथ कैसे बात करेंगे, वो भी इस घर में नहीं है। यानी संबंधों की गरिमा नहीं है, इसलिए वास्तविक अर्थों में वो घर नहीं है। और इसीलिए वो लड़की कहती है कि मैं लगता है कि किसी चिड़ियाघर में रह रही, घर के अतिरिक्त जैसे उसमें सब कुछ है। तो परिवार की जो आपस में भाई की, बहन की, माता पिता की जो आत्मीयता होती है, जो एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स है, एक दूसरे की जो वार्म रिलेशन होना चाहिए, वो नहीं है। छोटी लड़की जो है, उसका एक डायलॉग मैं सुनाता हूँ, वो कहती है कि मैं स्कूल से आई तो घर में कोई भी नहीं था, और मैं अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी भी है, पर सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे, और उसके बाद फिर नाटककार ने डॉट 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 दिया है, वो वाक्य पूरा नहीं करती है। सवाल ये है, ये कैसा घर है जिस घर में सबको सबसे शिकायत है? कोई ऐसा नहीं है जिसको कि किसी से शिकायत ना हो, लेकिन चूंकि कोई आश्रय नहीं है, मैंने शुरू में बताया कि साधनहीनता है, तो इसलिए घर से बाहर निकल करके भी आना वही है, क्योंकि जो रहने को एक छत चाहिए, एक घर चाहिए, और तो कहीं है नहीं। तो इस मजबूरी में, इस साधनहीनता की मजबूरी में, जिसको सो कॉल्ड चिड़ियाघर कहा गया, उसमें सब रहने को मजबूर। और यहाँ जो परिस्थितियां हैं, वो वही बन जाती है फिर से जो उस नाटक के शुरुआत में जो सूत्रधार है वो कहता है, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। यानी जिन स्थितियों से आप उब करके भागे, घर लौटे, तो फिर से वही स्थिति, कोई बदलाव नहीं।
तो इसलिए शुरू में इस नाटक में जो ये डायलॉग है, जो संवाद है कि फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, ये जैसे एक तरह से इसके पूरे नाटक के सार को, इसके समरी को बयान कर देता है कि इस पूरे नाटक का यही है कि तमाम ऊब, तमाम आशंकाओं, कुंठाओं के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ उसी अजायब घर में रहने को मजबूर है। स्त्री है, पुरुष है, बड़ी लड़की के बीच जो संवाद होता है वो जरा सा देखिए क्या कहते हैं, पर बात तो मेरे घर की हो रही है। तो जवाब में वो स्त्री कहती है, तुम्हारा घर, यानी महेंद्रनाथ को कहती है सावित्री, तुम्हारा घर। हाँ, तो यहां क्या है कि उसके मन में महेंद्रनाथ के प्रति और उसके घर के प्रति उपेक्षा का भाव है और उसमें उसका अहंकार भी झलकता है। और अहंकार किस लिए है कि सारा बोझ उठाने के कारण उपेक्षा का भाव पुरुष के प्रति है। और बोझ क्या उठाती है कि घर में कमा करके पैसा वही औरत लाती है सावित्री, यानी अर्निंग मेंबर वो है, तो पुरुष तो उसकी दया पर जी रहा है, तो इसीलिए उसको उपेक्षा से वो बात करती है। तो इसलिए इसमें जो तमाम तरह की टकराहटें हैं उसमें आप देखेंगे कि जो घर की बड़ी लड़की है वो किसी लड़के के साथ भाग चुकी है और छोटी जो है वो बहुत ही क्या कहें, बदजुबान, बदजुबान का मतलब होता है कि बहुत ही बुरा बोलने वाली, ऐसा बन चुकी है। और जो लड़का है वो बेकार है, मतलब उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है और उसको अपना ड्यूटी भी नहीं पता है कि कैसे क्या हमें काम करना चाहिए। और पिता जो है उस घर का जो पुरुष है वो तो पहले से ही बेकार है, तो इसलिए जो घर का सारा बोझ है वो सावित्री नामक स्त्री के कंधों पर है। और वो सावित्री जो है वो भीतर बाहर से बिल्कुल खाली है, घर में ना उसको प्रेम मिल रहा है, ना स्नेह मिल रहा है, ना किसी की कोई इज्जत कर रहा है। तो इस चीज की कमी की खोज में वो औरत अलग अलग पुरुषों के साथ दोस्ती करती है और उसके दोस्त फिर घर आते हैं और जो पूरा घर का सिस्टम है वो प्रभावित होता है। और जो आदमी के मन की अपनी अतृप्त इच्छाएं हैं, जो उसके एम्बिशंस हैं, वो बढ़ा तो लेता है लेकिन उसके लिए जब साधन नहीं महसूस वो मिलते हैं तो उस साधन के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, संसाधन के अभाव में वो धीरे 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 एक कुंठा में, कॉम्प्लेक्स में, हीनता बोध में उसमें जीने लगता है। तो इसलिए बाहर बाहर से सारे पात्र अच्छे लगते हैं। आप किसी भी पात्र से मिलें तो ना कोई आपको बीमार लगेगा, ना कोई आपको अस्वस्थ लगेगा किसी भी तरह से, लेकिन क्या है कि सबके जीवन में शिकायतें हैं, उठाए हैं, एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो क्या है कि इन सब चीजों की कमी के कारण हर परिवार का सदस्य, मतलब उस परिवार का हर सदस्य जो कि हमारे भारतीय समाज का भी यथार्थ है, वो अधूरा है, वो पूरा नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ नहीं है। तो ये जो अधूरापन है, ये अधूरापन ही दरअसल इस नाटक के शीर्षक को सार्थक करता है और इसीलिए इसका नाम आधे अधूरे रखा गया है। जो उसमें एक काले सूट वाला आदमी आता है वो एक बार कहता है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं, यानी दर्शकों को संबोधित करके कहता है। और वास्तव में है कि महेंद्रनाथ के रूप में, सिंघानिया के रूप में और दूसरे पात्र मनोज के रूप में जो और पात्र हैं, अलग अलग रोल करके जो एक आदमी आता है तो वो कहता है कि मैं भले अलग अलग रोल कर रहा हूं लेकिन हम में से, आप में से जो एक एक आदमी है दरअसल मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। आदमी बदल रहा है लेकिन जो उसकी मानसिकता है, जो मेंटेलिटी है, वो नहीं बदल रही है। जो बेचैनी है, जो तनाव है, जो दायित्वहीनता
दायित्वहीनता है। दायित्वहीनता मतलब केयरलेसनेस जो है, लापरवाही जो है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, वो जा रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसमें ये कहना ज्यादा उचित होगा कि जो आधे अधूरे में जो संबंधहीनता है, जो उलझन है, जो संबंधों का बिखराव है, वो जो चित्रण किया गया है वो भले मध्यवर्गीय समाज का चित्र न हो, लेकिन समाज के अधिकांश परिवार का, अधिकांश मनुष्य का ये सच है और ये एक यथार्थ है। यहाँ जो पति पत्नी के साथ तनाव है, जो संबंधों का एक तरह से अनादर है, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, ये सब भी अस्थिरता है, गैर जिम्मेदारी है, ये सब भी दिखाना नाटककार का एक उद्देश्य है। इसलिए कि ये सब चीजें आज के समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप है और जो बहुत ज्यादा एम्बिशन है वो भी, एम्बिशन क्या होता है कि आपको भीतर से किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा जगी जो आपकी महत्वाकांक्षा है और वो जब नहीं मिली तो आप एक कुंठा में चले गए, आप जो है एक हीनता भाव में जीने लगे, डिप्रेशन में जीने लगे। तो अगर आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं पालेंगे, एम्बिशंस नहीं रखेंगे, तो कम एम्बिशन तो पूरे हो सकते हैं, तो कम एम्बिशन पूरे होंगे तो आपको किसी तरह की कुंठा नहीं होगी। आपने जैसे आपने मोटरसाइकिल ही चाहा और मोटरसाइकिल आप थोड़ी बहुत कमाई से आसानी से पा सकते हैं तो आपको कुंठा नहीं होगा। लेकिन आपने शुरू से ही पाल लिया हो कि हमें मर्सिडीज में ही चलना है और मर्सिडीज के लिए आपकी जो जेब है वो अलाउ नहीं कर रहा, आप इतना कमा नहीं रहे, तो आपके पास भले मारुति या छोटी गाड़ी आ जाए तो गाड़ी में चलने के बावजूद आप हमेशा एक कुंठा में जिए, तो ऐसा क्यों? तो ये जो सारा समाज का पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम में जो बिना मतलब महत्वाकांक्षा ओढ़ लेने के कारण जो हीनता बोध है, तो ये तमाम तरह की चीजों को इस नाटक में, बहुत पतला नाटक है लेकिन पतलेपन के बावजूद इस नाटक का जो कथानक है वो तो बड़ा जबरदस्त है जो मैंने आपको बताया। और उसके पात्रों की जो नियति है, नियति कहते हैं जो भाग्य है, आकर्षण किसी चीज का है लेकिन घर में जो लोग हैं उसके प्रति विकर्षण भी है, मतलब उसको नहीं चाहते। इस आकर्षण और विकर्षण के बीच जो तनाव है वो बहुत अधिक गहराई से इस नाटक में उभरा है और इसलिए ये नाटक आज हम बहुत रेलेवेंट है कि नहीं इस पर भी बात कर रहे हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं कि ऐसी पृष्ठभूमि इस तरह के थीम को लेकर के मोहन राकेश से पहले किसी हिंदी के नाटककार ने नाटक नहीं लिखा था। इस तरह के आधुनिक भाव को लेकर लिखने वाले हिंदी के पहले, इस मतलब फिर से मैं क्लियर कर दूं, इस तरह के आधुनिक भाव के व्यर्थता बोध और ये सब को, आधुनिक जीवन के संतरास को दिखाने वाले पहले नाटककार माने जाएंगे मोहन राकेश। और उनके जो पहले के नाटककार हैं, मोहन राकेश से जो पहले हुए, उनके नाटकों में इस तरह की मन स्थितियों का चित्रण नहीं है। और यहाँ जो तनाव है, जो टेंशंस है, वो भी कई लेवल के हैं और हर लेवल जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, अलग है। स्त्री पुरुष का टकराव है वो एक अलग तरह का टकराव है, तीन तरह से है। जो स्त्री पुरुष है वो एक को सुनाती है, पता नहीं क्या तरीका है इस घर का, वो औरत जो है सावित्री बोलती है, पता नहीं क्या तरीका है इस घर का, तो भाई किसका घर है, घर तो आप ही का है, लेकिन वो किसी और को सुनाती है जैसे कि घर किसी और का है। तो बदले में जो है पुरुष भी कहता है किसे सुना सकता, कोई है जो सुन सकता है। तो द्वंद्व जो है वो दोनों तरफ से है और दोनों में अस्थिरता है, यानी कि इम्बैलेंस है। इससे जो है उसमें देखेंगे व्यंग भी है, जैसे पुरुष कहता है मैंने कहा बुरी बात है, तो वो कहता है कि पहले जब जब आया है हुआ मैंने कुछ कहा है तुमसे,
यानी कि वो जो पुरुष है वो चूंकि कमा नहीं रहा है, ये औरत जो है सावित्री घर में नए नए पुरुष को ला रही है, अब वो उसको सुनने के लिए झेलने के लिए उस परिस्थिति को बाध्य है। तो वो कहता है कि मैंने कहा बुरी बात है, तो जवाब में ये औरत कहती है क्यों बुरी बात क्या है, पहले जब वो आया है मैंने कुछ कहा है तुमसे? तो फिर वो कहती है किसने खा लिया, मैंने मतलब घर में कुछ है खत्म हो गया ये हो गया। तो एक तरह का जो है आत्मीयता तो नहीं है लेकिन एक खीज है, एक जो है एक दूसरे से शिकायतें हैं, जो मैंने कहा कि घर में सबको सबसे तरह तरह की शिकायतें हैं। तो ये इसका मेन थीम है। और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ आपके प्रश्न हो ये हो तो बातचीत की जाए। आप लोग बताइए कैसा लगा आपको नाटक, रुचिकर लगा? हाँ जी, समझ में आ गया इसका पूरा कथानक और ठीक लगा? हाँ समझ सकता हूँ जी। अच्छा समझ सकते हैं। बताइए कोई आपके प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो उस पर बात की जाए। आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछिए। कोई नोट्स मिल सकता है क्या? क्या चीज? इस नाटक के सारांश के बारे में कोई नोट्स मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। तो आप सर ये स्त्री सावित्री की गुण क्या चल, एक एक करके बोलिए तो समझ रहा है। बता दीजिए संक्षेप में बता दीजिए। हाँ क्या कह रहे सर? ये जो सावित्री स्त्री है, सावित्री हाँ। जो सावित्री स्त्री है उन्हीं की थोड़ा गुण चित्र चरित्र चित्र थोड़ा बता दीजिए सर। चरित्र वो कैसी लड़ी है, कैसा वो था सावित्री का? जी हाँ जी, जो इसमें सावित्री है वो महेंद्रनाथ नाम का जो कैरेक्टर है, पुरुष कैरेक्टर है, उसकी पत्नी है। और उसकी उम्र जो है वो लगभग 40 साल बताई गई है नाटक में सूचना के अनुसार। उसके चार बच्चे हैं, दो लड़की और दो लड़के। और वो जो औरत है सावित्री वही घर की अर्निंग मेंबर है, वही घर में कमा करके लाती है। जो उसके बच्चे हैं या उसके पति हैं वो नहीं कमाते हैं। इसलिए घर का जो अर्निंग मेंबर है वो एक तरह से हावी रहता है मां की परिवार पर। तो वो जो है अपने घर के हर उस पर हावी भी है और वो इसलिए पति के घर में प्रेजेंस के बावजूद वो अलग अलग पुरुषों को अपने घर में लाती है। और उसका पुरुष जो है उसका पति कमा नहीं रहा है, वो थोड़ा हेल्पलेस है इस मामले में, तो कुछ बोल भी नहीं पाता है। तो वो औरत जो है वो एक तरह से महत्वाकांक्षी भी है, स्वतंत्रता की खोज भी है, लेकिन उसको घर पसंद भी नहीं है और घर आने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो इस दोनों के बीच में वो ओसिलेट करती रहती है, झूलती रहती है। तो ये इस तरह का एक ऐसा चरित्र है जो उस समय के अतृप्त भारतीय मध्यवर्ग के इतिहास को भी बताता है और उसकी परिस्थितियों को भी बताता है। ठीक है और बताइए। नमस्ते काव्या, काव्या आपका कोई सवाल है तो पूछिए। हेलो हाँ पूछिए, आपका कोई सवाल हो तो। सर टेक्स्ट बुक में 21 से लेकर साइन तक पृष्ठ संख्या 21 से लेकर हम ऐसे ही है ना? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, समझ नहीं पाया, बताइए दोबारा बताइए। आप चाहे तो अपना सवाल जो है वो चैट में भी लिखिए तो मुझे दिखाई देगा।
है ना, आप लोग अगर चैट करके सवाल करेंगे ना तो मुझे सुनने में अगर दिक्कत भी हो तो समझने में दिक्कत नहीं होगी, समझ जाऊंगा। काव्या आपका कोई सवाल है तो पूछिए। सॉरी सर, कॉल कट हो गई थी मेरा, सॉरी। मैंने कहा आपका जो सवाल है उसको पूछिए या टाइप करके लिखिए तो मैं सवाल पढ़ लूंगा आपका। सर, टेक्स्ट बुक में पृष्ठ संख्या 21 से लेकर 37 तक जो भी नोट्स हैं वैसे ही हम फॉलो कर सकते हैं ना? इट्स सो क्लियर, हेडिंग बाय हेडिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मैंने आपका टेक्स्ट बुक नहीं देखा है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली इट्स सो क्लियर सर, कैन आई फॉलो द नोट्स सर? हाँ, मैंने जो बताया उससे स्पष्ट हुआ सब कुछ नाटक का? यस सर, इट्स सो क्लियर। अच्छा अच्छा, ऐसा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोई बात नहीं। स्वाति, गीता, आप लोगों के कोई सवाल हो तो पूछिए। प्रोफेसर जयशंकर बाबू भी जुड़े हुए हैं क्या? तो आज की कक्षा समाप्त की जाए? यस सर, हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर, ठीक, बहुत उपयोगी क्लास की जी। बहुत धन्यवाद जी, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का भी। सच्चा है जी, अभी संदेह कुछ संदेह नहीं है, लेकिन पढ़ने के समय संदेह संदेह आऊंगी। अभी कुछ क्लास और हम आपको पढ़ाएंगे। ओके जी, ओके जी, ओके जी। हाँ, दूसरा क्लास में हेडिंग किसके बारे में जी? दूसरे क्लास किसके बारे? वो आपको बताएंगे, इसके बाद आपको जो मैसेज जाएगा, लिंक जाएगा ना, हाँ जी, उसमें आपको सूचना मिलेगी। ओके जी, ओके जी, बहुत धन्यवाद जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का सबका। थैंक यू सर, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी।